तकलीफों में भी दवा की कमी पूरी करते हैं। कौन कहता है कि परेशानी आ गई, मैं रुक गया, सर्दी खांसी जुखाम हो गई, ये हो गया वो हो गया, नहीं साथियों। अगर हमारा विजन क्लियर है, हमारा लक्ष्य क्लियर है, तो साथियों चाहे कोई भी ब्रेकर आ जाए, चाहे आपका पैर का घुटना तक टूट जाए, सर आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने। और ये सब हो पाया है आपके प्यार से, प्यार की वजह से और हमारे मेंटर्स की वजह से। अगर ये मजबूत दीवार मेरे पास ना होती, मेरे पीछे ना होती, तो वर्षा वस्ती यहां तक नहीं आ पाती। तो थैंक यू मेरे मेंटर्स। और सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म का, इस परमपिता परमात्मा का, कि संजीव सर और हमारे जो भी स्टार्टिंग के फाउंडर्स थे, उनके दिमाग में एक सोच आई एसपीएस परिवार को बनाने की। क्योंकि अगर एसपीएस परिवार ना होता, एडब्ल्यूपीएल परिवार ना होता, तो साथियों हम क्या जहां अंधकारमय जिंदगी जी रहे थे, वहीं जीते रहते। सपना पूरा करना तो बहुत दूर की बात थी। तो सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगी हमारे भगवान, हमारे महागुरु संजीव सर का। मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार ताली संजीव सर की, जोरदार ताली। साथियों इसके बाद मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगी हमारे अरुण द्विवेदी सर का, कि उन्होंने मुझे इस रास्ते पर लेकर आए, इस परिवार से मिलाया। साथियों हम में क्षमता बहुत होती है, काबिलियत बहुत होती है, आग बहुत होती है, जुनून बहुत होता है, हम सब काम कर रहे होते हैं, लेकिन रास्ता सही नहीं मिलता। गलत रास्ते पर अगर कर रहे होते हैं, तो सर चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, हमें सफलता नहीं मिल सकती। तो थैंक्स टू अरुण द्विवेदी सर, जिनकी वजह से मुझे सही रास्ता मिला, मुझे एसडीपीएस परिवार से जुड़ने का मौका मिला। तो थैंक यू गुरुजी। और सबसे ज्यादा थैंक्स मैं बोलना चाहूंगी हमारे राम और लक्ष्मण जी को। हमारे राम जी सर, हमारे भंडारी सर, रास्ता मिल गया लेकिन सही डायरेक्शन नहीं मिली, सही सोच नहीं मिली, सही गाइडेंस नहीं मिली। तो सर मेहनत चाहे कितनी भी कर लो, रास्ता भी मिल गया, लेकिन जब दिशा सही नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। डिसिप्लिन अगर आपके अंदर नहीं है, तो चाहे कितना भी कुछ कर लो, साथियों हम आगे नहीं बढ़ सकते। और मेरे दोनों महागुरुओं ने इसमें बखूबी भूमिका निभाई है। आज हम जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी है, हमारे इन्हीं मेंटर्स की वजह से है, इन्हीं महागुरुओं की वजह से है। तो जोरदार ताली हमारे तीनों महागुरुओं की, जोरदार ताली। थैंक यू गुरु जी हमें यहाँ तक लाने के लिए, थैंक यू सो मच। डायरेक्शन की मैं बात कर रही थी साथियों, कहते हैं पानी बहता है ना, जब पानी बहता है अगर उसको डायरेक्शन नहीं दिया तो तबाह कर देता है। यस और नो? आग में बहुत जुनून है, बहुत आग है, बहुत गर्मी है, लेकिन आपको अगर सही दिशा नहीं मिली, हमारे रामजी गुरु जी कहते हैं अगर सही दिशा नहीं मिली वो सब कुछ तहस नहस कर देती है। यस और नो? लेकिन अगर सही दिशा मिल गई, सही मार्गदर्शन हो गया, सही डायरेक्शन हो गया, तो कब मामूली लड़की वर्षा आज डायमंड बन के आपके सामने बोल सकती है, सभी ने प्रूफ कर दिया है हमारे गुरु जी ने। साथियों डायरेक्शन का ही शब्द है, डायरेक्शन का ही सब कुछ है। तो साथियों वर्षावस्ती का प्यार भरा नमस्कार आप सभी के लिए, और आप सभी लोग शिद्दत के साथ यहाँ पर आए, इस सेलिब्रेशन में आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। साथियों इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जितने भी लोग यहाँ से आए हैं, दूर दराज से आए हैं। साथियों मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जब इस संस्था की शुरुआत की थी, इस परिवार से पहले, इस परिवार में शामिल होने से पहले, AWA परिवार को ज्वाइन करने से पहले, साथी मैं क्या करती थी, साथी एक प्राइवेट संस्था में नौकरी करती थी, सपने बहुत थे, नौकरी करते थे, 15,000 से 20,000 रुपए मिलते थे। अब सोच के दिखाइए क्या कोई 15,000 से 20,000 की नौकरी में अपने सपने पूरे कर सकता है? यस और नो? नहीं कर सकता। साथियों वही मैं सोच रही थी कि मैं जब इतना छोटा सा अमाउंट सैलरी कमाती हूँ, तो मैं अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकती हूँ, जबकि 20 तारीख आते आते मेरी जेब खाली हो जाया करती थी। मुझे पता है मेरे बीच जितने
की बहनें बैठी हैं, कोई नौकरी वाले हैं, कोई व्यापार वाले हैं, कोई कुछ भी काम करते हैं, लेकिन हर नौकरी वाले की यही कंडीशन है, 20 तारीख आते आते जेब खाली हो जाया करती थी, जैसे हमारी होती है, हमारी होती थी। तो साथियों, सपने पूरा करना तो बहुत दूर की बात है, जिंदगी को काट रहे थे, जिंदगी को जीने की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे, कैसे सपने पूरे होते। लेकिन जब आपकी सोच अच्छी होती है, जब आपकी नीयत अच्छी होती है, इरादे नेक होते हैं और आपके लक्ष्य में आग होती है, मेन होता है लक्ष्य, जिसको आप पाना चाहते हैं, अगर उसको पाने की आग है ना, तो साथियों परमात्मा को उतर के किसी ना किसी रूप में आके आपको रास्ता देना पड़ता है। और वही हुआ मेरे साथ, तलाश थी कैसे प्लेटफॉर्म की, जिस प्लेटफॉर्म पर आकर मैं अपना भविष्य सेव कर सकूं, ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश थी जहां पर आकर मैं अपनी माँ के दुखों को दूर कर सकूं, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकूं, तलाश थी ऐसे प्लेटफॉर्म की। और जब आपकी नीयत अच्छी हुई, सोच बढ़िया हुई, तो साथियों परमात्मा ने आपका साथ दिया, मिला दिया हमारे गुरुजनों से। साथियों जब अरुण सर के माध्यम से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, हमारे गुरुओं के माध्यम से मुझे इसकी ताकत का अंदाजा हुआ, साथियों यकीन मानना, ऐसा लगा कि परमात्मा खुद उतर के आ गया इनके रूप में, और उसने बोल दिया कि चुन लो इस रास्ते को और बना लो अपनी जिंदगी, कर लो सपने पूरे। साथियों पीछे मुड़के नहीं देखा, पीछे मुड़के नहीं देखा, पार्ट टाइम शुरू किया, धीरे 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 काम करते गए और फुल टाइम आ गए। कहते हैं जहां पर सफलता धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाती है, पॉकेट भरना शुरू हो जाती है, फिर मन और कर्म वही लगने लगता है। यस सुनो, यही मेरे साथ हुआ। शुरुआत की मैंने एसलीपेस परिवार की साथियों, और एसलीपेस परिवार में आने के बाद पहले की जिंदगी बहुत घुटन भरी थी, अंधकारमय थी, एडजस्ट भरी जिंदगी थी, एडजस्ट भरी जिंदगी, क्योंकि हमें सिखाया गया था जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। यही मुझे बचपन से सिखाया गया कि बेटा जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने हैं, ज्यादा आगे नहीं करना है, तो वही था दिमाग में। लेकिन जब गुरुओं के सानिध्य में आए, माहौल चेंज हुआ, बड़ी सोच हुई, तब पता चला अरे वो तो पहले कहते थे कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, लेकिन मेरे महागुरुओं ने तो चादर को ही इतना बड़ा कर दिया कि जितनी चाहो उतने पैर फैलाओ, जितने चाहो उतने पैर फैलाओ। साथियों शुरुआत करी हमने एसलीपीएस परिवार में काम की, और काम करते करते साथियों 4.5 साल हो चुके हैं मुझे यहाँ पर। 4.5 साल में साथियों जिस लड़की की औकात नहीं थी 3,500 रुपए के रेंट को भरने की, अगर मैं इनकम की बात करूं साथियों, 4.5 साल में मंथली इनकम मेरी 1.5 से 2 लाख रुपए हो चुकी है, जो लड़की कभी अपना रेंट तक नहीं भर पाती थी। टोटल इनकम प्रेजेंट में मेरी 70 लाख प्लस हो चुकी है मात्र 4.5 सालों में, जो कभी नहीं सोचा। साथियों इतना ही नहीं, अचीवमेंट तो यहाँ पे आके इतना हो गया कि अपने आप को भी नहीं पहचान पा रहे, क्या हम वही वर्षा हैं? नहीं पहचान पा रहे, क्योंकि यहाँ पे पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। साथियों मेरी औकात नहीं थी रेंट तक भरने की, लेकिन आज 35 लाख के फ्लैट की रजिस्ट्री करा के अपने घर में बैठे। जिस लड़की की औकात नहीं थी एक्टिवा तक खरीदने की, साथियों आज 12.5 लाख रुपए की टॉप मॉडल कार ब्रेजा मेंटेन कर रही है, बहुत जल्दी चेंज भी हो जाएगा। ये सब कब हुआ? मेरी औकात नहीं थी साथियों, एडजस्ट भरी जिंदगी जी रहे थे जैसे मेरे भाई मेरी बहनें आज जी रही होंगी। जो जिंदगी आज आप लोग जी रहे हो डरना नहीं है, क्योंकि हम उससे गुजर चुके हैं। एडजस्ट भरी जिंदगी जी रहे थे साथियों, 20 तारीख को सैलरी खत्म हो जाया करती थी, लेकिन आज देखना नहीं पड़ता है कि टैग कितने का लगा है, बस आज ये देखा जाता है कि ये अच्छा है या बुरा है। ये औकात बनाई है इस एसलीपीएस परिवार ने, मेरे गुरुजनों ने। साथियों यहां पर जब मैंने शुरुआत कर ली, ये मेरी उपलब्धि थी 4.5 सालों की, जो आज डायमंड बन के आपके सामने बोल पा रही हूं। लेकिन कहते
भी दौर बहुत टफ होता है। हमारे बीच जो बैठे हैं फाइटर, जो बहनें, जो भाई हमारे बैठे हैं, उनका भी दौर बड़ा टफ निकल रहा होगा। आपके सामने भी समस्याएं, चैलेंज आ रहे होंगे। हमारे सामने भी आए थे। ये सारी उपलब्धि मैंने आपको पहले क्यों बताई? क्यों? क्योंकि ये सारी उपलब्धियां दिलवाने वाले हम नहीं है। ये सारी उपलब्धियां अगर हम खुद ले पाते, खुद में इतनी इतनी काबिलियत होती, इतना रुतबा, इतना कुछ होता, तो पहले ही ले लिया होता। नहीं, अगर इतना रुतबा, इतना सब कुछ बोल पा रहे हैं, इतना सब कुछ बढ़िया हो पा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ मजबूत प्लेटफॉर्म की वजह से, मजबूत परिवार की वजह से, मजबूत गाइडलाइन की वजह से, मजबूत डायरेक्शन की वजह से। और ये सब कुछ हो पाया है सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजनों की वजह से। नहीं तो वर्षा की कोई औकात नहीं थी कि वो कुछ भी एक कदम आगे कर पाए। सपने पूरे करना तो बहुत दूर की बात। साथियों, आज हमें गर्व है कि आज हम एसलीपीएस परिवार के बच्चे हैं, एसलीपीएस परिवार के सदस्य हैं। क्योंकि साथियों, अगर ये एसलीपीएस परिवार मुझे नहीं मिला होता, तो साथियों आज हम एडजस्ट भरी जिंदगी जी रहे होते, बोल नहीं पा रहे होते आपके सामने, और सपने पूरा करना तो बहुत दूर की बात है। अपनी माँ के दुखों को भी दूर नहीं कर सकते। लेकिन हम लकी हैं, भाग्यशाली हैं कि एसलीपीएस जैसा प्लेटफॉर्म हमें और आपको मिला। साथियों, आज बताने की जरूरत नहीं है कि एसलीपीएस ने 7.5 साल में इतिहास रच दिया है। इतिहास, साथियों, इसने तो अपने आप को प्रूफ कर दिया। इतना मजबूत प्लेटफॉर्म, इतना मजबूत टीम और इतने मजबूत हमारे गुरुजन, साथियों, एक साथ कहीं नहीं मिलते हैं। अगर मिल गए होते तो 4.5 साल पहले क्रांति कर चुके होते अरुण द्विवेदी और वर्षा। लेकिन आज हम लकी हैं, भाग्यशाली हैं कि एसलीपीएस परिवार के आज हम सदस्य हैं, आज एसलीपीएस फैमिली हमें मिली है। साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चैलेंजेस सबके सामने आते हैं, मेरे सामने भी आए थे। हम भी ऐसे ही नहीं आए कि हम आए और डायमंड बन गए। नहीं साथियों, वहां से यहां तक का सफर अभी मैंने आपको बताया नहीं है। अभी उपलब्धि बताई है 4.5 साल की, लेकिन 4.5 साल में क्या क्या ब्रेकर आए, सर मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आपके सामने भी वो ब्रेकर आ रहे होंगे। न जाने कितनी बहने, कितने भाई उन ब्रेकरों में उलझ कर अपने सपनों पर पर्दा डाल देते हैं। खासतौर पर मेरी बहने घबरा जाती हैं, किसी ने कुछ थोड़ा सा कह दिया बैठ गए, किसी ने थोड़ा सा कुछ टोन कस दिया तैयार होके जा रही हैं, पता नहीं कहां क्रांति करेंगे, तो हम बैठ जाते हैं। क्योंकि उनकी बातों के हिसाब से हम अपने आप को चलाना शुरू कर देते हैं, जो नहीं करना। साथी, जब मैंने शुरुआत करी थी साथियों 4.5 साल पहले, तो हर व्यक्ति निगेटिव था मेरे साथ, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि 8 साल से धक्के खा रहे थे, किसी को भरोसा नहीं था कि हम कुछ कर सकते हैं, अपनों को भी भरोसा नहीं था कि हम कुछ कर सकते हैं, या हमारे अंदर क्षमताएं हैं, या हमारे अंदर अपने लक्ष्य को पाने की आग है, किसी को भरोसा नहीं था, खासतौर पर अपनों को। और जब अपने उंगली उठाते हैं, अपने साथ छोड़ते हैं, तो साथी हिम्मत टूटती है। वही मेरे साथ हुआ था। ऊपर जितने भी भाई हैं, कोई बात नहीं, जहां जगह मिल रही है बैठ जाइए प्लीज। हिम्मत टूट जाती है साथियों, आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, वो अपने आप एडजस्ट कर लेंगे, आप लोग इधर देखें, कोई दिक्कत नहीं। सफर की शुरुआत जब करी थी, तो बहुत ब्रेकर आए थे, बहुत समस्याएं आई थी, बहुत परेशानी आई थी, लेकिन उन ब्रेकरों को पार करने की हिम्मत मुझे मेरी माँ से मिली, मुझे मेरे गुरुजनों से मिली, अरुण सर से मिली, रामी सर से मिली, भंडारी सर से मिली। मुझे पल पल पे जितना मुझे सहयोग मिलना था, जिस तरीके से, हर तरीके से मेरे गुरुजन मजबूत दीवार की तरह मेरे साथ रहे। साथियों, मेरे हस्बैंड वेग, उन्होंने भी बोला, फिर हंसने लगे, अच्छा 8 साल तो तुमने समय खराब कर दिया, ठीक है, और पैसा खराब कर दिया, धूप में तची, इतना भागी दौड़ी, तुम्हें क्या मिला, अब फिर तुम जल्दी। साथियों, मैंने फिर बोला था, अगर लक्ष्य आपका क्लियर है
उसमें दम है। तो सर कोई भी ब्रेकर आपका कुछ नहीं कर सकता, और मेरा लक्ष्य थी मेरी माँ, मेरा लक्ष्य था मेरा परिवार, जिसने मुझे पालने में, मुझे आगे बढ़ाने में, मेरी एजुकेशन पूरी कराने में साथ ही अपनी जान झोंक दी थी। मेरा लक्ष्य क्लियर था, कैसे कोई वेद आके मेरा रास्ता रोक सकते थे। साथियों उनसे मैंने बोला, क्योंकि सबसे पहले इंसान घर से टूटता है, परिवार से टूटता है। जब अपने उंगली उठाते हैं, ब्रेकर बनते हैं, तो सबसे पहले अगर कोई लेडी, कोई भाई अगर टूटता है तो घर से टूटता है। वही बात मेरे ऊपर हुआ था, वही बात मेरे ऊपर हुआ था। साथियों वेद ने मना कर दिया कि अब तुम्हें अगर काम करना है तो करो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। अब किसी लड़की का हस्बैंड अगर ऐसे बोल दे कि तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, तो साथियों क्या बीतती है उस पर, सोचो। थोड़ा सा हिम्मत टूटी थी, लेकिन फिर हमने याद किया कि क्या नौकरी जो मैं कर रही थी उसको करने से मैं अपने मां के दुखों को दूर कर लूंगी। आंसर आया नो। क्या मैं जो चाहती हूं सपने पूरा करना, अपने आप को सिक्योर करना, अपने बच्चों के भविष्य को सिक्योर करना, क्या मैं कर सकती हूं? आंसर आया नो। तो वही डिसीजन लिया, वही डिसीजन लिया और अपने हस्बैंड को बोला, वेद को बोला कि तुम थोड़ा सा ब्रेक ले लो, तुम थोड़ा सा ब्रेक ले लो। परिवार को छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना, परिवार एक बहुत मजबूत ताकत होती है साथियों। परिवार को छोड़ना नहीं है, लेकिन परिवार का कोई सदस्य अगर आपकी बात को ना समझे उस समय, तो वहां बहस नहीं कर रही है, थोड़ा सा शांत हो जाओ। हमारे रामबी सर हमेशा कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति तुमसे नाराज हो रहा है या कुछ भी कर रहा है तो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनो, अपने लक्ष्य पे नजर रखो। वही मैंने किया था, वही मैंने किया, यही बोला वेद से कि तुम थोड़ा सा ब्रेकअप ले लो, थोड़ा सा ब्रेकअप ले लो। जाना नहीं है कहीं, जाना रहना तो हमारे साथ ही है, करना ऐसी कैसी है, लेकिन अभी तुम ब्रेकर बन रहे हो तो वो ब्रेकर में हमें नहीं उलझना है। आप साथ में ना आओ कोई बात नहीं है, आप ब्रेक ले लो। वेद चले गए अपने गांव में, खेती के बहुत फूलते हैं, खेती है उनकी, कोई बात नहीं, वो चले गए। साथियों कुछ समय तक हम लोग अकेले रहे, अलग अलग रहे, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज हमने अपने हाथ में ले लिया, बहुत बड़ा चैलेंज अपने हाथ में ले लिया। उस समय मुझे एसलीपीएस नहीं मिली थी, एसलीपीएस परिवार नहीं मिला था साथियों, लेकिन जिस दिन मिलना मैंने कदम रखा था, उसी दिन पहले दिन वेद ने साथ छोड़ दिया। नहीं उम्मीद थी मैं आगे क्या कर सकती हूँ या कर पाऊंगी, इस कंपनी में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जब रामबी सर ने, अरुण सर ने और हमारे भंडारी सर ने मेरा विजन क्लियर किया, बताया कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, कोई बात नहीं है अगर आप कहीं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन एक बार आप देख तो लो। साथियों उनके भरोसे पर भरोसा किया और वेद को थोड़ा साइड किया। साथियों काम किया, आगे बढ़े, फिर दूसरा ब्रेकर समाज आया, तीसरा ब्रेकर आस पड़ोसी आए, चौथे ब्रेकर साथियों हमारे रिश्तेदार आए। चली है ये करोड़पति बनने, रमा जी आपकी लड़की पागल हो गई है, पति से कह दिया कि थोड़े दिन तुम घर में रहो, ऐसा कहीं होता है, लेकिन मुझे नेटवर्किंग की ताकत का अंदाजा था, डायरेक्ट सेलिंग की ताकत का अंदाजा था कि नौकरी से मैं कुछ नहीं कर सकती, व्यापार करने के लिए पैसा नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि डूब गया तो हम शांति से बैठ जाए, क्योंकि 20 तारीख को सैलरी खत्म हो जाया करती थी। फिर करने के लिए क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड तो है नहीं, अच्छे सिंगर तो है नहीं, अच्छे डांसर तो है नहीं कि अपने सपनों को पूरा कर ले, ISPCS तो है नहीं कि हम अपने सपनों को पूरा कर ले, फिर क्या है करने के लिए? ये सवाल अपने आप से किया कि करना है तो सिर्फ SLPS करना है, दूसरा कुछ नहीं करना, और यही से अपने लक्ष्य को, अपने सपने को पूरा करना है, और वो कर दिखाया अपने गुरुजनों के माध्यम से। सभी चैलेंज होते हैं, ये ब्रेकर्स होते हैं, आपके बीच में भी आ रहे होंगे, और आपके ऐसे ही आपको हिम्मत रखनी है। क्यों रखनी है, हम घबरा जाते हैं। अब सुन लो, वेद जो चले गए थे छोड़ के, अब देखो मेरे परिवार की ताकत, अगर वेद दोबारा मेरे जीवन में आ चुके हैं, एक अच्छी हैप्पी फैमिली आज हम बढ़िया तरीके से जी रहे हैं, छोटी सी मेरी गुड़िया है,
तो फैमिली में है, बहुत अच्छा परिवार बन चुका है। कब? कब? तब जब डिसीजन पे खड़े रहे, जब गुरुजनों का साथ पकड़े रहे, इनका हाथ पकड़े रहे, डायरेक्शन सही मिली। वेद का हाथ थोड़ी देर के लिए छोड़ा, इनका हाथ मजबूती से अपने हाथ को पकड़ा दिया कि गुरुजी आप पकड़ लो, क्या पता मेरे से छूट जाए। इन गुरुजनों ने मेरा हाथ पकड़े रहे, और सर जो पति छोड़ के चले गए थे, आज वो मेरा साथ कदम से कदम मिलाकर दे रहे हैं। गोल्ड बन चुके हैं, प्लेटिनम बनने की तलाश में। साथियों, ये सब कुछ हो पाया है हमारे गुरुजनों की वजह से, मजबूत प्लेटफॉर्म की वजह से। साथियों, हम हिम्मत तोड़ देते हैं, आज सब कुछ बढ़िया हो चुका है, क्योंकि फैमिली की ताकत बहुत होती है। परिवार के लोगों को नाराज नहीं करना, परिवार को छोड़ना नहीं है कि हमारी बहने कहे वर्षा मैडम ने थोड़ा ब्रेक दे दिया, मैं भी दे दूं। नहीं, ब्रेक नहीं देना है। हमारे साथ सिचुएशन कुछ और थी, मेरी फैमिली में कोई नहीं है, ना सास है ना ससुर है, मैं कुछ अकेली हूँ, अपनी बच्ची का पालन पोषण में अकेली ही कर रही, कोई दूसरा व्यक्ति मेरे साथ नहीं है। मेरी मम्मी है, मेरा भाई है, लेकिन वो अपने घर रहते हैं, वो अपना काम करते हैं, कैसे उनको डिस्टर्ब कर दे। लेकिन आज मेरे घुटने की फ्रैक्चर हो चुका है, तब मजबूरी में आकर मैं अपनी माँ के पास रही। मैं अभी परसों ही घर से आई थी अपने शो के लिए। साथियों, परिवार बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर परिवार का साथ आपने रखा, तो यकीन मानना कि आपकी जो 2 साल या 1 साल में जो सफलता मिलने वाली है ना, वो 6 महीने में मिल जाएगी, अगर फैमिली आपके साथ। क्योंकि हमारे गुरुजन हमेशा कहते हैं कि परिवार से बढ़ के कुछ नहीं होता, लेकिन हमें परिवार में भी आंखें खोल के रहनी है, आंखें खोल के रहनी है। कोई भी भाई ही ना कहे मेरा ब्रेकर मेरी पत्नी बन रही है, चलो इसको साइड कर दो। नहीं भाई, नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है, समझाना है। नहीं समझ में आता, चुप हो जाओ और अपने लक्ष्य को आगे देखो, आगे रखो और आगे बढ़ते जाओ, वही होगा जो आज मेरे साथ। बहनों से बहुत परेशान है, मैडम क्या करें, पति देव ब्रेकर बन रहे हैं, छोड़ दूं? ना, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, समझाना है कि मैं जिस काम को कर रही हूं, आप मुझे बताओ क्या ये गलत काम है। अरे किसी के समस्या को खत्म कर पा रहे हैं अगर रसों के माध्यम से, क्या ये गलत काम है। अगर कोई व्यक्ति 10-20-50 हजार रुपए कमा रहा है, अगर मेरे रास्ते से बताने से अगर वह व्यक्ति यहाँ पे आ जाता है, पैसे कमाने लगता है, क्या मैं गलत काम कर रही हूँ। अगर मैं बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर रही हूँ, तो क्या ये गलत काम है। सवाल करो अपने उस फैमिली मेंबर से जो ब्रेकर बनता है, जो ब्रेकर बनता है, सवाल करो, आंसर उसको नो आएगा। तो जब हम काम अच्छा कर रहे हैं, तो क्यों ब्रेकर बन रहे हो। प्यार से मक्खन लगाओ और असली पेस में आगे बढ़ो और अपने सपनों को पूरा करो। प्यार से आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति अपने माँ बाप को दुख देते हैं, पत्नियों को इज्जत मान सम्मान नहीं देते हैं, सब कैसे आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, हमें मान सम्मान, बड़ों का सम्मान करना है। हमारे गुरुजन हमेशा बताते हैं कि साथियों, माँ बाप को जिसने रुलाया है, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि माँ बाप हमारे दूसरे भगवान है, परमात्मा कभी भी सबके पास नहीं आ सकता। तो उसने माँ बना दिया, उसने पिता बना दिया और अपना अंश उसमें डाल दिया। भगवान के रूप में, माँ बाप के रूप में परम पिता परमात्मा हम सबके साथ हैं, और हम उनको रुलाएं, हमारी वजह से वो परेशान हो। अरे लानत है ऐसे बच्चों पे जिसकी वजह से उनके माँ बाप की आंखों में आंसू आते हैं। मैंने अपना लक्ष्य बनाया था इस संसार में आने का, मेरी माँ, उसने ही मुझे मजबूती दी, उसने ही मुझे हिम्मत दी इन ब्रेकरों को पार करने की और इन कांटों पे चलने की। साथियों, अगर आपका लक्ष्य क्लियर था ना, तो सर आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। मैंने अपनी माँ को बोला कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, जो हुआ तो हुआ, क्योंकि कहानी बहुत लंबी है, जो हुआ तो हुआ, लेकिन आपकी बेटी को एक ऐसा परिवार मिल चुका है जहां से आपके सपनों को भी पूरा करेंगे और आपके दुखों को भी दूर करेंगे। और मैं कर पाई, और मैं कर पाई। आज कोई अगर मेरी माँ से पूछे कि तुम्हें क्या समस्या है या क्या सुख है, दोनों चीजें पूछोगे, तो सर यही कहेंगे कि मैं अपने दुखों को भूल चुकी हूं, क्योंकि आज इस रिक्वेस्ट की वजह से आज मेरी माँ के धीरे धीरे सारे दुख दूर हो रहे हैं, सारे दुख दूर हो रहे हैं। माँ बाप से बढ़ के कोई
ही नहीं होता है साथियों। हम कुछ भी खरीद के ला सकते हैं, लेकिन माँ बाप अगर एक बार छूट गए दोबारा नहीं ला सकते। तो मैंने अपना लक्ष्य अपनी माँ को बनाया और उनके आशीर्वाद से आज सब कुछ यहाँ पे हो पा रहा है। तो साथी हमें क्या करना है, परिवार से साथ चलते हुए, परिवार के साथ चलते हुए हमें आगे बढ़ना है, परिवार को लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। ब्रेकर तो आएंगे, समस्याएं तो आएंगी। हम सोचते हैं बिना ब्रेकर के बिना समस्या के हम डायमंड बन जाएं, आगे बढ़ जाएं, नहीं हो सकता। हथेली पे सरसों नहीं जमती। कुछ लोग बोलते हैं अरे मुझे एक साल हो गया काम करते हुए, मेरा ये नहीं हो पाया। अरे नहीं होगा, कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? हथेली पे सरसों नहीं जमती। एकदम कोई करोड़पति नहीं बनता, शॉर्टकट नहीं होता है सफलता का, प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। मेरे महागुरु जी मुझे बताते हैं, हमेशा हमारे महागुरु जी हमें बताते हैं कि प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा, उसमें उतार चढ़ाव तो आएंगे। अरे हार्ट बीटिंग भी यूं ही चलती है, जिस दिन स्लो हो गई, स्ट्रेट हो गई, उस दिन भगवान जी के पास जाके ताली बजाएंगे। तो कठिनाइयां क्यों नहीं आएंगी? हमारे व्यापार में भी कठिनाइयां आएंगी, हमारे सफलता के बीच में भी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन कठिनाइयों को पार करना है, ब्रेकरों को पार करना है। मेरी बहनें बैठ जाती हैं, किसी ने जरा सा कह दिया अरे कहाँ जा रही हो, अरे क्या कर रही हो, अरे क्या है, फिर तुम लग गई उस लफड़े में। तो हम क्या करते हैं, हम अपने सपने से भटक जाते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और उसकी बातों में आ जाते हैं। ध्यान रखना एक बात, कोई भी व्यक्ति आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। अगर आप आगे बढ़ना भी चाहोगे आपकी टांग खींचेगा, जैसे मेरी खींचते थे। कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो, आपके दुखों को रो रो के पूछेंगे, लेकिन चार लोगों के बीच में जाके आपकी मजाक बनाए, मेरी बनाई थी, ये कड़वी सच्चाई है। मेरे पापा बताती हूँ मैं, कड़वी सच्चाई है ये। कोई किसी का साथ नहीं देता, ना रिश्ते ना पड़ोसी, ना सगा संबंधी फोन तक नहीं उठाते। मेरे पापा 55 साल की उम्र में ऊपर चले गए। क्यों चले गए? पैसा नहीं था अच्छे हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, पैसा नहीं था, किसी ने एक फोन नहीं किया कि बाबा जी आ जाओ, पैसे ले लो और अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा लो। अरे जब कोई मेरी समस्या को खत्म करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता, जब कोई मेरा साथ नहीं दे सकता, न समाज वाला ना आस पड़ोसी, तो क्यों अपने जिंदगी की डोर उनके हाथों में दे? ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे लिए, लेकिन हम दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। हमारे फाइटर जाते हैं समझाने के लिए, बताने के लिए, जवान भी हो जाते हैं जोश जोश में, आग लग जाती है, लेकिन फिर ठंडे हो जाते हैं, फिर कदम पीछे हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्य क्लियर नहीं हो पाता। दूसरों के हाथों की कठपुतली बनकर उससे पूछे तो सही, अरे वो बताएगा तुम्हें, वो समझाएगा, वो तो पीछे से धक्का और मारेगा कि गड्ढे में जा, और हम चले जाते हैं। हम इतने सीधे होते हैं, इतने सच्चे होते हैं, तो उसकी बातों में आके आई अपॉर्चुनिटी को लात मार देते हैं और जिंदगी एडजस्ट भरी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सर हमें ऐसा नहीं करना है, जिंदगी हमारी है, बच्चे हमारे हैं, परिवार हमारा है, तो डिसीजन कौन लेगा? हम लेंगे, ना कि पड़ोसी लेगा। साथियों आपके पास बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। बहुत सारे भाई हमारे यहाँ पे हैं, बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे ज्वाइंट फैमिली फ्रेंडशिप के परिवार में जुड़ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे गेस्ट आज यहाँ से आए हैं, दूर दराज से आए। मैं तो सैल्यूट करती हूँ कि बहुत बहुत दूर से उज्जैन, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए। मैं सैल्यूट करती हूँ आप लोगों को कि आप लोग यहाँ पर आए हैं चलकर, तो आग तो आपके अंदर है, करना तो कुछ चाहते हो, सपना तो है, लेकिन एक लक्ष्य लेकर यहां से जाना।